दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, पर कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। मुजद्दिद तो बहुत रब तबारक व तआला ने एक ज़ाब्ता रहमत बना दिया कि जब जब दीन मुस्तहिल होगा तो उसको ताजा करने वाले आए, उसका तजदीद और अहया करने वाले आएंगे। ये कोई जरूरी नहीं एक दौर में कोई एक ही मुजद्दिद हो सकता है, अरब का कोई और हो, अजम का कोई और, मशरिक का कोई और हो, मगरिब का कोई और हो, तो एक ही दौर में बेशुमार। इसलिए कि पूरी दुनिया में तजदीद और अहया का काम कर रहा और पूरी दुनिया में हर एक की आवाज का पहुंचना मुश्किल है। ये जरूरी नहीं कि हमारे तजदीदी कारनामे फौरन किसी दूसरे हिस्से में पहुंच जाए, तो हर हिस्से में मुजद्दिद का होना जरूरी है। इस दौर में भी जिस दौर में आला हजरत के तजदीद अहिया का गुल मच रहा था, उस दौर में भी बहुत सारे मुजद्दिदीन हो सकते हैं। क़िबले आलम हजरत शाह मिज़र अली, ये भी मुजद्दिद, यूसुफ नबहानी, ये भी मुजद्दिद, ज़हनी कहला, ये भी मुजद्दिद, मगर इन मुजद्दिदीन में जो खुसूसियत आला हजरत फाजले बरेली को हुई वो बड़ी निराली है। इसीलिए इस दौर में वो मुजद्दिद आज़म कहेंगे, मुजद्दिद आज़म कहेंगे। और खुसूसियत ये थी कि आला हजरत के जैसे जानेउल उलूम और फुनून, उलूमो फुनून में ऐसी जामे हस्ती उनके दौर क्या दो सदी पहले भी नहीं, उनके दो सदी पहले भी नहीं। और इतने उलूमो फुनून पर उनके तहरीरी तहरीर इतना लिखने वाला भी कोई नहीं। ये इनकी ऐसी खुसूसियत थी, इनका ऐसा मुकाम था जिसने इन्हें आजम बना दिया, जिन्हें इसने आजम बना दिया। और एक बात और भी मैंने देखी, बड़ी खास बात, वैसे मुजद्दिद का काम तो तजदीद अहिया होता ही है, हर शख्स अपने अपने दायरे कार में जो भी मुजद्दिद होगा वो तजदीद अहिया का काम अंजाम ही देगा, मगर इन्होंने तो अजीब काम किया, उलूम व फुनून को भी जिंदा किया, दीन को भी जिंदा किया, ईमान को भी जिंदा किया, सभी को जिंदा करते रहे। और सबसे खास बात ये थी कि अपनी दरसगाह से इन्होंने आलिम नहीं बनाए हैं, आशिक बनाए हैं, आशिक बनाए हैं। तो ये दुनिया है, इसको मोहब्बत का मुजद्दिद आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद तमाम आप सोचेंगे ये भी बहुत बड़ी बात होती है भाई, इल्म देना आसान, इल्म देना आसान, किताब रखो लाके मैं पढ़ा दूंगा पढ़ लेना, समझा देना आसान है, फनकार बना देना आसान है, मगर आशिक किताबों से नहीं बनाया जाता, मोहब्बत किताबों से नहीं बनाया जाता। इश्क तो ये इमाम अहमद मोहम्मद रजा की सिफत थी, इल्म किताब में था, इश्क दिल में था। किताब वाली चीज को समझाना आसान है मगर अपनी सिफात को दे देना ये मुश्किल है, अपनी सिफात को दे देना ये मुश्किल है। तो उन्होंने इल्म ही नहीं दिया, अपना इश्क भी दे दिया, अपनी मोहब्बत भी दे दी। उस दरसगाह के तालिब इल्मों की सबसे बड़ी खुसूसियत है वो आशिक है, वो आशिक है। और जिसके दिल में इश्क मोहब्बत की वो लौ ना हो जो अहमद रजा ने चलाई है, उसको अपने को अहमद रजा की तरफ इंतजाब करने का हक नहीं है, और हक नहीं है तो देखिए। अच्छा, इस इश्क का, इस इश्क का नतीजा क्या, इस इश्क उनको इश्क था रसूल से, रसूल के घराने से, रसूल के दीन से, रसूल के रविश से, रसूल की जात से, रसूल की आल से, रसूल के शहर से, रसूल का जो सबसे उनका इश्क ऐसा।
कि उसकी पेशानी पे कभी शिकन नहीं पड़ने का। ऐसे वक्त जबकि अच्छे अच्छे लोग फिसल जाए, मगर इमाम मोहम्मद रजा नहीं फिसले। दो एक वाकया में सुना दूं, बड़ी अजीब बात है। सैयदुल आलमा इसके रामी जिन्होंने मुझसे बराह रास्ता, सैयदुल आलमा देखिए, शरीयत का पर अमल भी हो जाए, इश्क की पेशानी पे शिकन ना पड़े, ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम मालाहना शरीफ फाजिले बरेली पहुंचते हैं, वहां के शहजादगान ने किसी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। सोने की अंगूठी हराम, मर्दों के लिए सोने की अंगूठी हराम। अगर कहीं खुदा ना खास्ता किसी ने पहन रखी हो तो उसे उतार देना चाहिए। इस हाल में नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। देखा आपने, तो सोना मुतलकन मर्दों को हराम। अब आला हजरत अमीन शरीयत, शरीयत के ताजदार, ये चीज उनको पसंद कैसे है, मगर हाथ में है शहजादे के मना कैसे करो। कहीं दिल में दुख न पैदा हो, कहीं तकलीफ ना हो, कभी तकलीफ ना हो, और खामोश रहे जो नाना की शरीयत के शौक है। एक तरफ शरीयत का दबाव, एक तरफ मोहब्बत के कुछ तकाजे। ऐसा अब देखिए आला हजरत का तजदीदी कारनामा, उनकी उनके फहम सका को कहते हैं हुजूर वाला। देखिए हुजूर वाला, आप तो सफी घराने के हैं, सफी इब्ने सफी, करीम इब्ने करीम। कोई शायर अगर आपसे कुछ मांगता है तो आप उसको मायूस नहीं करते, तो सरकार ये अंगूठी आप मुझे अदा फरमा दे, ये मुझे अदा फरमा दे। देखिए अब मौलवी और मुफ्ती की जुबान नहीं है, एक शायर की जुबान है। मौलवी और मुफ्ती की जुबान नहीं है, एक शायर की जुबान है। आप मुझे अदा कर दे। आला हजरत ने कहना वो हाँ मौलाना आपको पसंद है, आप ले जाए, और दे दिया। खुशी से शुक्रिया अदा किया। दूसरे तीसरे रोज एक चांदी की अंगूठी बनवाई, कीमती, उस पर नग लगवाया, और फिर दो रोज के बाद आ गए और कहा हुजूर आप तो बहुत ही फकीर नवाज, बहुत ही सफी इब्ने सफी, करीम इब्ने करीम। जब कोई आशिक कोई तोहफा आपको देता है तो आप उसकी दिलदेही फरमाते हैं, दिलजोई करते हैं, उसे वापस नहीं करते, कबूल कर लेते हैं। तो हुजूर ये हकीम तोहफा, तो चांदी की अंगूठी बढ़ाई, कहा हुजूर इसको आप पहन लें, और फिर सोने की अंगूठी बढ़ाई, हुजूर इसको मेरी तरफ से मखदूमा तक पहुंचा दे, मखदूमा तक पहुंचा दे, मखदूमा तक पहुंचा दे। शरीयत का भी तकाजा पूरा हो गया, मोहब्बत की शिकन पे बल नहीं आया, मोहब्बत की शिकन पे बल नहीं आया। ओ मुझे